अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रुबीना ब्यूटी एंड रेमेडी में आप लोग को वेलकम है। आज मैं आप लोगों को सैंडलवुड वाइटनिंग क्रीम बताऊंगी जो बहुत ज़बरदस्त है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे चलें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो चल चलते हैं वीडियो में आगे गाइस। तो सैंडलवुड वाइटनिंग क्रीम के बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं और ये बहुत वाइटनिंग देती है फेस को, चेहरे के जो दाग धब्बे हैं उससे भी साफ़ करती है। ठीक है गाइस, हम आप इसे फ्रिज में भी बना के रख सकते हैं। ठीक है, हम सैंडलवुड ले लेंगे पाउडर। ठीक है, सैंडलवुड पाउडर हम तकरीबन 1 टीस्पून ले लिया। 3 दिन के लिए आप बना के रख लें और फ्रिज में रख सकते हैं, जब चाहे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल अच्छी है और आप मैंने सईद गनी का लिया है सैंडलवुड पाउडर, आप किसी का भी ले सकते हैं गाइस। और इसकी स्मेल इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है गाइस। तो हम इसमें लेंगे गाइस, क्रीम बनाने के लिए हम इसमें सूखा दूध ऐड करेंगे। सूखा दूध जो होता है वाइटनिंग देता है। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसमें तकरीबन हम आधा टीस्पून ये डाल देंगे। ठीक है, इसको इस तरह हम मिला लेंगे। और इसके बाद गाइस हम इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे हल्दी, कस्तूरी हल्दी ले रही हूँ मैं, आप कोई भी हल्दी ले सकते हैं। ठीक है, आधी पिंच तकरीबन हम 3 डेज़ के लिए बना रहे हैं फ्रिज में रखने के लिए, 3 टू 4 डेज़ के लिए, तो इतनी इनफ रहेगी। हम आधी चुटकी हमने हल्दी डाल दी। ठीक है, हाफ पिंच हल्दी को भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, हम इस तरह इस पाउडर को यकजा कर लेंगे गाइस। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल को। ठीक है, एलोवेरा जेल बहुत अच्छी होती है और धूप के असरात से हमें बचाती है, और सैंडलवुड भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इस तरह गाइस हम इसमें सैंडलवुड पाउडर्स में हम मिला लेंगे एलोवेरा जेल को। ठीक है, इसमें और ज़्यादा एलोवेरा डालेंगे हम कि ये पेस्ट बन। ठीक है गाइस, हम मज़ीद इसमें एलोवेरा और ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे इसे। ठीक है गाइस, ये देखिए ये क्रीमी टेक्सचर में आ रही है। ठीक है, ये देखें बहुत ही स्मेल खूबसूरत है इसकी और प्यारी स्मेल है। ठीक है गाइस, ये इस तरह से हमने इसमें डाला। और फिर हम इसमें डालेंगे गाइस एक विटामिन ई का, इवन मत डाला करें क्योंकि वो खाने के होते हैं और ये लगाने के हैं ब्यूटी कैप्सूल। ठीक है, आप इसमें क्या कहते हैं उसका, बादाम का तेल। ठीक है, आप बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं, जिनके पास ये नहीं है विटामिन ई तो बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई उसमें भी वाफर मकदार में होता है। ठीक है जी, आलमंड ऑयल में वाफर मकदार में विटामिन ई होता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चंद कतरे इसके बराबर ही। ठीक है गाइस, हम इसमें विटामिन ई का एक अदद कैप्सूल ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब डाल देंगे इसका ऑयल। ठीक है, इस तरह हम इसे मिला लेंगे। ठीक है, इसमें हम डालेंगे चंद कतरे नींबू के। ठीक है, लेमन के हमने इसमें चंद कतरे ऐड करने, तकरीबन आधी आधी टीस्पून ऐड कर दें। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, ये हमारी क्रीम रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसमें लेमन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेमन इतना ज़रूरी नहीं है, मैंने डाला है क्योंकि मैं डाल लेती हूँ कभी कभी, तो आप लेमन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेमन नहीं डाल सकते, नहीं है तो नहीं डालिएगा। और इस तरह की क्रीम आप बना लीजिएगा गाइस और इसे लगाइएगा, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसके अच्छे वाइटनिंग रिजल्ट हैं। आई होप कि पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, अल्लाह हाफिज़।